नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एक और लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। तो अभी देखो कि मार्केट में हमें बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। ऑलमोस्ट यहाँ पे 600 पॉइंट से ज़्यादा का हमें गैप डाउन देखने को मिला, और खुलते के साथ मार्केट देखो कहीं ना कहीं डाउन साइड आ रहा है। तो अपना यहाँ पे हम प्लान बनाएंगे, बट हम प्लान थोड़ा सा निफ्टी में मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे करने की। तो एक बार ऐड कर लेता हूँ मैं स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे। तो मैं ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे 25,600 की पुट को, ठीक है। मैंने ऐड कर लिया और यहीं पे मैं कुछ क्वांटिटी एड ऑन करता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे पंच कर दिया और अभी कुछ 3,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। एक बार मैं आपको निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देख सकता हूँ लगा हुआ है, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, यहाँ पे 25,600 का मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने इसमें अपना ट्रेड बनाया हुआ है, और अभी तो यहाँ पे खैर मुझे थोड़ा बहुत लॉस ही देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे। एक बार प्रॉफिट अपना 20,000 के ऊपर चला गया था, बट एनीवे यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत लॉस है। इसको हम वेट करेंगे, होल्ड करेंगे। यहाँ पे जिस हिसाब से कैंडल बनी है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी तो एक खैर डोजी टाइप की बन रही है। अभी देख सकते हो अपना लॉस भी थोड़ा बहुत चला गया है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा गैप डाउन हो गया है तो मार्केट वोलाटाइल प्ले करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। तो और कोई यहाँ पे इशू नहीं है। अगर निफ्टी का चार्ट वगैरह देखोगे आप, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये रिट्रेसमेंट आ रहा है। इसको ज़्यादा रिट्रेस तो नहीं करेगा, एक बार इसको डाउन साइड आना चाहिए, बट अगर बहुत ज़्यादा गया तो फिर हमें निकलना पड़ेगा। ट्रेड का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है तो रिकवरी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आएगी भी तो थोड़ी बहुत आ सकती है। तो ट्रेड हमने बनाया अभी क्या है कि पहली कैंडल अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ी सी, तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए अच्छी नहीं है, बट स्टिल क्योंकि अभी ट्रेड बना लिया तो इसको हम होल्ड करेंगे। यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ना, आप 9:15 वाले अगर आप 1 मिनट की देखोगे, तो थोड़ी सी यहाँ पे नीचे जो वीक वगैरह छुट्टी है ना, उसका मुझे यहाँ पे टेंशन है कि यहाँ थोड़ा सा नीचे आ सकता है यहाँ पे प्रीमियम। अदरवाइज तो बाकी सब कुछ ठीक है यहाँ पे। चार्ट भी निफ्टी का ठीक ही ठाक यहाँ पे है। अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे नीचे की साइड मार्केट आएगा, एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता है 25,523 तक। तो मैं ट्राई करता हूँ इसके नीचे नीचे तक अगर एक बार ब्रेकडाउन दे देता है तो अपने लिए अच्छा होगा। लेट्स सी, वेट करते हैं थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ एक बार कुछ बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाई जाए। हालांकि प्रीमियम महंगा है तो मैं सोच रहा हूँ सेंसेक्स में बना लिया जाए, वो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक बार देखते हैं सेंसेक्स में कहाँ पे चल रहा है अभी। ओके, 83,500 के आसपास हम बना सकते हैं वहाँ पे। प्रीमियम हालांकि काफ़ी महंगे हैं तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। मैं केवल 200 क्वांटिटी ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा। ओके, तो अभी बना लिया और अभी देख सकते हो वही 4,000 के आसपास अपना प्रॉफिट चल रहा है। देखो ये प्रीमियम अभी भागा हुआ है यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ तक मैं इसको कैप्चर कर पाता हूँ। ओके, 14,000, 16, अभी जिस लेवल की बात कर रहा था देखो यहाँ तक मार्केट आ गया है। तो बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करूँगा, क्योंकि हो क्या रहा है ना, गैप डाउन हो गया है तो वोलाटाइल हो गया। अदरवाइज बाकी सब कुछ ठीक है, बस मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल प्ले कर रहा है। ओके, 17,000 तक अपना प्रॉफिट चला गया था। अभी निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे, थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ज़्यादा तो नहीं आएगा, बट हाँ थोड़ा सा एटलीस्ट ये जो हाई बना हुआ है ना, ये एक बार यहाँ पे क्रॉस कर सकता है मार्केट। तो देखते हैं, अगर क्रॉस कर दिया तो अपना टारगेट वगैरह आ जाएगा, अदरवाइज फिर हमें थोड़ा सा लॉस लेके निकलना पड़ेगा आज। बस एक मोमेंटम चाहिए, एक फ्लो में ये निकल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। अभी देखो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है अपने लिए, तो मुझे निकलना ही पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि तो देख सकते हो रिट्रेसमेंट कितना गंदा गंदा आ रहा है। एनीवे मैं निकालता हूँ यार, क्योंकि ये जो अपना एसएल है वो बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है। यही जो एक स्विंग बना था इसी के पास था, तो अब यहाँ पे ये ट्रेड मेरा कंप्लीट हो चुका है।
और अभी देखोगे 27,000 के आसपास अपना लॉस हुआ है, तो थोड़ा सा ही लॉस है, ज़्यादा नहीं है। पॉइंट वाइज देखोगे करीब 10 पॉइंट का ही लिया यहाँ पे था। देखो यहाँ तक आया, बट मेरा जो डिजायर टारगेट था लाइक प्रॉफिट वाइज वो नहीं अचीव हुआ था। इंडेक्स वाइज तो अचीव हो गया था कि हाँ इस लेवल तक आ सकता है मार्केट। तो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, केवल और केवल क्या करना है, वेट ही करना है और कुछ नहीं करना है। देखते हैं यहाँ पे अभी ट्रेड अच्छा मिल जाएगा हमें, नो डाउट। क्या ना इतना बड़ा गैप डाउन हो गया है, तो अभी डायरेक्टली देखो कॉल साइड ऐसे भागता हुआ तो नहीं जाना चाहिए। एक बार तो वो पुट साइड आएगा, बस क्या है कि ऑलरेडी वो पुट साइड जो नीचे के एसएल पड़े थे वो ऑलरेडी हिट हो गए हैं, तो कर क्या रहा है, बार बार वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है सो दैट यहाँ पे कॉल साइड लोग बैठ सकें और फिर वो पुट साइड गिरे, तो ऐसा वाला सीन बन रहा है। इसीलिए देखो ये प्रीमियम कितना वोलेटाइल है, पहले थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया अभी देखो फिर नीचे आया, तो यही चल रहा है यहाँ पे। अदरवाइज बाकी कोई और दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अभी चलो मैं फिर से री एंट्री वगैरह करता हूँ, क्योंकि देखो अभी निकल गया यार अपना जो प्राइस था जो मैं चाहता था ना वो अभी देखो निकला ये, तो थोड़ा प्राइस मिस तो हो गया बट ठीक है यार क्या कर सकते हैं। अभी जो मैं चाहता था ना वो अभी देखो निकला है, अभी यहाँ पे देखोगे कितना शानदार निकला, तो अभी ये ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा। ये वोलाटाइल थोड़ा ज़्यादा हो गया है मॉर्निंग सेशन में, बस यही एक दिक्कत है, अदरवाइज तो बाकी सब कुछ ठीक है यहाँ पे। ज़्यादा ही कुछ वोलाटाइल हो रहा है यार मॉर्निंग सेशन में, तो मुझे अगेन यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि एसएल मेरे बहुत छोटे छोटे होते हैं, 10-15 पॉइंट का ही लेता हूँ, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे प्लान कर भी नहीं सकता हूँ इस मार्केट में। तो अभी देखोगे यहाँ पे मैंने बुक कर लिया लॉस, और वेट करते हैं यार अभी कोई ट्रेड मिलेगा। ये तो यहाँ पे ये मिस हो गया मेरे से। ओके तो यहाँ पे जो ट्रेड बनाया, अब यहाँ पे क्योंकि ये विक बनी हुई है, और मैं अगर 25,600 का आपको प्रीमियम दिखाता हूँ कॉल साइड का, अब यहाँ पे क्या ये चार्ट जो है ना काफ़ी अच्छा बन गया। अगर आप इसका देखोगे तो ये इसका चार्ट काफ़ी अच्छा बन गया, क्योंकि ये वीक वगैरह छुट्टी है, मैंने 2 बार ट्राई किया उधर नहीं निकल रहा, ये अभी निकल जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी सोच रहा हूँ और एड ऑन कर दूँ। ओके मैंने एड ऑन कर दी और अभी वही 58 के आसपास अपना लॉस चल रहा है, तो मेरे लिए दिक्कत है। अगर फ्लो में निकला तो मेरा टारगेट वगैरह सब आ जाएगा। देखो अभी केवल 30,000 का लॉस रह गया है, तो फ्लो में बस फ्लो में चाहिए ठीक है, फ्लो में आराम से निकल जाएगा ये। ओके ग्रेट, अभी 20,000 का रह गया लॉस, निकलो निकलो यहाँ से भाई। 75 चला गया, 80 तक मैंने सोचा था, और अभी ये हाई नहीं क्रॉस किया, तो एक बार हाई क्रॉस कर सकता है, तो मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। हाई ये इजिली यहाँ पे क्रॉस कर देगा, चलो ये निकल रहा है, एक बार हाई क्रॉस करे यहाँ से, अभी करीब करीब 15 पॉइंट की मोमेंटम मुझे और मिल सकती है, तो ये प्रीमियम अपना निकल जाएगा, एटलीस्ट 80 क्रॉस कर देगा आराम से यहाँ पे, बस मार्केट टाइम ना स्पेंड कर ले उस जगह पे। अगर टाइम स्पेंड करेगा ना तो जहाँ पे लिया है ना मैंने वहीं पे तुरंत फिर से ये प्रीमियम पहुँच जाएगा। इतनी सी केवल यहाँ पे दिक्कत होती है एक्सपायरी वाले दिन की, थोड़ा भी अगर मार्केट साइडवेज प्ले किया ना तो प्रीमियम टूट जाते हैं। एनीवे देखते हैं यार एक फ्लो में ये निकाल दे अभी, क्योंकि ये कंटिन्यू गया तो एक छोटा मोटा नीचे की साइड रिट्रेसमेंट भी आ सकता है, तो वो भी हमें यहाँ पे देखना होगा। एनीवे लेट्स सी, देखते हैं यार एक फ्लो में यहाँ पे जितने भी लोगों ने हाई पे यहाँ पे सेल किया होगा ना उनको निकाल सकता है मार्केट,
तो उन्हीं को टारगेट करने के लिए मैंने ये ट्रेड बनाया। अभी देखो इंडेक्स तो खैर चलो ऊपर जा रहा है यहाँ पे, ओके यार चलो इंडेक्स तो निकल रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। आप देखो यहाँ पे अपना लॉस वही 30 तक चल रहा है, अब तक ये 20 तक हो जाना चाहिए था यार। ये प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, आप खुद देखो यहाँ पे, चलो अभी बढ़ा है प्रीमियम, ओके ग्रेट, ओके ओके ओके, निकल जा निकल जा। वेट करते हैं आराम से, ये कैंडल जिस हिसाब से बनी है प्रीमियम जाने को तो 100 भी जा सकता, बट इतना टारगेट मैं अभी नहीं ले सकता क्योंकि अभी इसके बाद हो सकता है एक रेड कैंडल, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी की एक रेड कैंडल बने यहाँ पे। क्योंकि अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, अभी क्या कर रहा है, ये हाई पे पहुंच के ना एक बार यहाँ से रिजेक्शन टाइप का ले सकता है, सो दैट फिर से लोग पुट साइड जाएँ, बट मैं होल्ड करूंगा इसको अभी, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी की एक बार ये हाई अपना क्रॉस कर दे। बस प्रीमियम में दिक्कत आती है कि प्रीमियम बढ़ता नहीं है। अभी देखो ये काफ़ी, देखो कितना ज़्यादा रिट्रेस कर गया, ऑलमोस्ट हाई इसने 76 लगाया था, अभी देखो 75 पहुंच गया। तो प्रीमियम्स की दिक्कत है कि प्रीमियम्स बढ़ते नहीं है यार जल्दी, देखो कितना जल्दी टूट रहा है, जबकि इंडेक्स देखो अभी वहीं पे है। अब ऐसे में फिर ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार, जब मतलब इंडेक्स कुछ ज़्यादा बिहेव करता नहीं और प्रीमियम ऑटोमेटिकली टूटने लगते हैं, तो ऐसे में ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यार देखो इंडेक्स कितना अच्छे से ऊपर जा रहा है, बट प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा, मतलब गजब ही चलता है यार इनका। अब तक तो उस प्रीमियम को 80 के ऊपर निकल जाना चाहिए था यार, जिस हिसाब से ये इंडेक्स मूव कर रहा है। एनी भी देखते हैं यार, अभी चलो ये निकल तो रहा है, ओके ग्रेट, बट यार ये वही है ना कि देखो यहाँ पे फिर से अटक गया है, रुक रुक के निकल रहा है इसको फ्लो में। अब तक यार ये 85-85 तक पहुंच जाना चाहिए था, जिस हिसाब से मोमेंटम आया हुआ, देखो आप यहाँ पे हाई वगैरह क्रॉस कर रहा है मार्केट, तो इसको अब तक पहुंच जाना चाहिए था। एनीवे वेट करेंगे थोड़ा सा, मेरे हैं जो ये सनसेक्स वाले नहीं, 14,000 का वो फालतू का लॉस हो गया यार, क्योंकि वहां पे तो बिल्कुल ही मोमेंटम नहीं आया, पूरा ही साइडवेज हो गया वो तो। चलो अभी यहाँ पे निकला हुआ है, थोड़ा सा और निकल जाए, ओके ग्रेट, देखते हैं हाई तो एक बार क्रॉस करेगा, अभी इतना ऊपर पहुंच के यहाँ से डायरेक्टली फॉल नहीं करेगा, एक बार ऊपर वालों को निकालेगा, उसके बाद में भी हो सकता है फॉल वगैरह कर दे, तो एक बार यहाँ पे निकालने के लिए जरूर जा सकता है इनको ऊपर की साइड, जितने लोग बैठे हुए हैं, तो बस उन्हीं को मैं टारगेट करने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, अदरवाइज अब तक एग्जिट कर देता मैं। ओके चलो अभी 17,000 का, 20,000 का रह गया लॉस अपना, ओके ग्रेट, 13,000-6,000 प्रॉफिट। अभी देखो यहाँ पे ये हाई क्रॉस कर दिया इसने, बट अगेन देखो प्रीमियम कुछ खास नहीं बढ़े हैं यार, इसने देखो यहाँ पे कितने अच्छे से हाई क्रॉस किया, मतलब जो मेरा टारगेट था यहाँ पे तो आ चुका है इंडेक्स में, ये देखो कितना अच्छे से ब्रेकआउट किया, बट प्रीमियम देखो मतलब प्रॉफिट कितना चल रहा है, वही 9,000 के आसपास, वो भी देखो कम हो गया, मतलब क्या चल रहा है यार मार्केट में। चलो 30, बढ़िया है बढ़िया है, अभी निकला हुआ है तो मैं होल्ड कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे देखो जो मेरा टारगेट था ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया है 90, ओके ग्रेट, ओके बढ़िया बढ़िया शानदार, ओके 46, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऐसे जब मोमेंटम आता है ना तब मज़ा आता है ट्रेडिंग करने में, और जब रुक रुक के आता है ना तो पूरा ही मतलब खत्म कर देता है, फिर पूरा मजा नहीं आता फिर ट्रेडिंग करने में।
यार ये फिर से वही रिट्रेस कर रहा है, पूरा प्रॉफिट खत्म करना चाह रहा है मार्केट। तो मैंने बोला था ना एक बार हाई क्रॉस करके फिर हो सकता है रिट्रेसमेंट वगैरह करने आए, तो वही करने कोशिश कर रहा है। बट जिस हिसाब से अभी है, अभी ये प्रीमियम अपना 104 के ऊपर जा सकता है नो डाउट, बट वही है कि अभी हाई पे पहुंचा है तो छोटा मोटा रिट्रेसमेंट भी कर सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। मैं जैसे देखो यहाँ पे हाई ब्रेक होना, अब लोग यहाँ पे क्या किए होंगे, कॉल साइड गए होंगे तो उनको खाने के लिए देखो मार्केट नीचे आ रहा है, तो यही चलता है मार्केट में, ट्रैपिंग होती रहेगी और मार्केट ऐसे ही मूव करता रहेगा। तो मुझे निकलना पड़ेगा यार, क्योंकि अभी ये ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे आया हुआ है ना, तो दिक्कत कर सकता है मुझे। सोच रहा हूँ एक बार यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि ये अभी ये भी पॉसिबिलिटी है कि देखो मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, अभी उस पर रिटेस्ट करने आया तो यहाँ से निकल भी सकता है, बट देखो एक्सपायरी है तो वहाँ पे क्या होगा, प्रीमियम बहुत तेजी से टूटेंगे। और कोई दिक्कत नहीं, बस क्या है प्रीमियम्स की दिक्कत है कि प्रीमियम बहुत तेजी से टूटेंगे। तो देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। अभी इसने रिटेस्ट तो कर लिया, अब यहाँ से अगर ये कंटिन्यू करता है फिर तो ठीक है, अदरवाइज फिर वही होगा कि मुझे यहाँ पे निकलना पड़ेगा। तो देखो प्रीमियम मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट ले आया, मतलब 12-13 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा था, बट देखो अभी उसने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया मुझे। तो प्रीमियम्स की दिक्कत होती है, फिर वो बढ़ते नहीं है यार। ये देखो पूरा ही टूट रहा है, ये देखो आप यहाँ पे देखो खुद, यहाँ पे एनी पे जिस हिसाब से मोमेंटम अभी एक फ्लो में यहाँ तक जा सकता है, तो मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, बस यार टाइम ना स्पेंड कर ले, जो भी करना है जल्दी करे। ओके ग्रेट, ओके 96, 98, ओके ग्रेट, अभी देखो ये निकला हुआ है, अभी ये निकला हुआ है, बढ़िया बढ़िया शानदार। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि इतना मैंने स्क्रीन पे लॉस भी देखा हुआ था, तो अभी सही रेशियो में मुझे प्रॉफिट वगैरह सब कुछ हो गया है, तो ज़्यादा वेट वगैरह करना यहाँ पे फिर दिक्कत करेगा मेरे लिए। तो मैं यहाँ पे बुक कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी मिल रहा है मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर रहा हूँ, ठीक है। तो बुक करते करते 54 हो गया है, बट ठीक है, जो मेरा टारगेट था यहाँ तक आया, बट इट्स ओके, मेरे लिए ठीक था। मैंने अभी लास्ट टू लास्ट डे पे ना 1,02,000 का प्रॉफिट इसमें किया था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल भी मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट मान के चलो 60,000 प्रॉफिट किया था, अभी ये निकलने को और निकल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम था। पर हो क्या रहा है ना, मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल है, और जब आप अर्ली मॉर्निंग में ट्रेड करते हो तो इस चीज़ का आपको बहुत मतलब बारीकी से ध्यान रखना होता है कि आप तुरंत एग्जिट करो, ठीक है, एक ट्रेड में बड़ा लॉस नहीं ले। ये वाला ट्रेड्स अगर आप देखोगे, ये वाला जो मैंने सेंसेक्स में लिया है फर्स्ट वाला ट्रेड, यहाँ पे मुझे मेजर लॉस हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये मुझे जो 400 घंटे में 2 बार एंट्री बना के जो ये 14,000 गया ना, ये फालतू का हो गया मेरा लॉस। अदरवाइज बाकी जो मैंने लॉस किया है वो यहाँ पे केवल एक ही ट्रेड में हुआ है, ये 52,000 का जो आपको दिख रहा है पुट साइड में। यहाँ भी 2 बार मैंने एंट्री बनाई थी, अगर आप देखोगे 3600 क्वांटिटी आपको दिख रहा है, यानी 1800-1800 करके 2 बार बनाई है। पॉइंट वाइज आप देखो कितने पॉइंट का लॉस लिया, मैंने केवल 14 पॉइंट का लिया। अगर आप देखोगे 121 एवरेज बाइंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस है 160, ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखो कि केवल 14 पॉइंट का एसएल लिया यार, बहुत ज्यादा नहीं लिया है। बट वही था, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल था तो स्क्रीन पर लॉसेस जो है ना वो थोड़े से ज्यादा दिख रहे थे, ठीक है, रनिंग लॉस जो था वो थोड़ा ज्यादा दिख रहा था, अदरवाइज बाकी सब कुछ सही था। तो यहाँ पे अगर आज आप चार्जेस वगैरह की बात करोगे तो कुछ 1800 रुपये के आसपास चार्जेस कटे हैं, और नंबर ऑफ ट्रेड्स देखोगे तो 12 मैंने लिए, यानी 6 यहाँ पे बाइंग किए, 6 यहाँ पे सेलिंग किए, और स्टार्टिंग में देखोगे मैंने 9:16 पे जो लिया था 116 पे, इसी में मुझे प्रॉफिट अच्छा हो गया था, आपने देखा था 21-22 हज़ार चला गया था, बट क्योंकि वो सडन फिर फॉल आया तो 105 में मुझे एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि एसएल मेरा मैक्सिमम 10 पॉइंट का ही रखता हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं रखता हूँ, 10-15 पॉइंट का वहां पे एग्जिट किया। फिर जो जो 460 पे लिया था उसको मुझे 425 पे निकालना पड़ा सेंसेक्स का, इसने थोड़ा ज्यादा यहाँ पे दे दिया मुझे पॉइंट वाइज लॉस। फिर वही ट्रेड देखो जो मैंने लिया था यहाँ पे पुट साइड का, वो 125 चला गया, तो वहां पे फिर मुझे लगा नहीं एक ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है, अभी नीचे की साइड एक बार आ सकता है मार्केट। ये वाला पॉइंट था, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे था, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, जब मार्केट इस लेवल पे था जो मैंने लाइन खींची है, तब मुझे लगा था कि एक बार मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आ सकता है, ठीक है, इनको थोड़ा और नीचे आ सकता है, जिन्होंने कॉल साइड की एंट्री बनाई होगी लाइव मार्केट के खुलते ही, उनको डराने आ सकता है। बट देखो मार्केट आने की कोशिश तो की, यहाँ पे जो विक दिख रही है इसका मतलब है पहले ये रेड कैंडल बन रही थी, उसके बाद ये ओवरऑल रिवर्स कर गई, तो जब ये रिवर्स कर गई तब मुझे यहाँ पे फिर से एग्जिट करना पड़ा, 125 पे लिया था, 107 पे निकाला। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा एसएल मेरा 13-14 पॉइंट का थोड़ा सा ज़्यादा चला गया,
अदरवाइज बाकी सब कुछ सही था, सेम वही था, 455 में फिर से सनसेट लिया था, 418 पे निकालना पड़ा, तो इट्स ओके। फिर ये वाला ट्रेड देखोगे मैंने 57 पे लिया और 185 पे लिया, इन दोनों को मैंने निकाला। आप खुद देखो यहाँ पे जो 57 पे लिया था उसको मैंने निकाला है 101 पे, ठीक है, देख सकते हो कितने पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किए, और जो 85 पे लिया था उसको 132 पे निकाला है। तो जब मैंने लॉसेस लिया देखो कितने कम कम पॉइंट्स का लिया है, और जब मैंने प्रॉफिट लिया देखो कितने, जस्ट जितने मैंने लॉस लिए थे उसका 1:2 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे अभी यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, और चार्जेस वगैरह देखोगे तो अभी थोड़ा सा एसटीटी अपना बढ़ गया है, ये जो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है ना एसटीटी, इसने चार्जेस थोड़ा बढ़ गए हैं, अदरवाइज ये 1800 की जगह शायद 1500 ही होता। एनीवे अपना यहाँ पे काम हो गया, अभी मैं फर्दर ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ क्योंकि फिर आज थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। तो यहीं पर मैं फिर बंद कर रहा हूँ, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।